हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। आज का वीडियो हम लोगों का खास है। इस वीडियो में हम लोग जो बिहार पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड आया है, उस एडमिट कार्ड का DNA टेस्ट करेंगे। देखिए, इस DNA के अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को बताया जाएगा। जो भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड आप लोगों को सारी समस्या थी, सारी समस्या का सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि देखते हैं कि कौन सा ऐसे भाग्यवान इंसान थे, कौन सा ऐसे भाग्यवान स्टूडेंट हैं जिनका एडमिट कार्ड को DNA टेस्ट किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग गेस कर सकते हैं तो कर लीजिए कि आखिर कौन सा स्टूडेंट हैं जिनका एडमिट कार्ड का DNA टेस्ट हो रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट है, बड़े मज़ेदार स्टूडेंट है, आखिर उन्हीं को क्यों चूज किया गया DNA टेस्ट में, तो वो सब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि DNA के अंदर क्या क्या हम लोगों को चीज़ें मिलेगी। सो तो देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है इस DNA टेस्ट में भाग लेने वाले कैंडिडेट। उन कैंडिडेट का नाम है गौतम कुमार और सुनीता देवी। क्या? गौतम कुमार और सुनीता देवी। देखिए, ये एक यूनिक पर्सन थे जिनका क्या है कि सिग्नेचर दो लोगों का ऐसे होना चाहिए था, कैंडिडेट का एक हिंदी सिग्नेचर और कैंडिडेट का एक इंग्लिश सिग्नेचर। लेकिन कैंडिडेट के इंग्लिश का सिग्नेचर कुछ और है और हिंदी का सिग्नेचर कुछ और है। इसीलिए ये एक भाग्यशाली कैंडिडेट थे जिनका एडमिट कार्ड का DNA टेस्ट करना है। इससे सभी को कुछ नॉलेज मिलेगा, क्या क्या आप लोगों को सारी समस्या हो जाएगी, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा कि क्या एग्ज़ाम में लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, कोरोना के चलते क्या सावधानी बरतना, सारी चीज़ें इसमें हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये कौन से कैंडिडेट हैं, इनका नाम, ऐसे नाम तो है गौतम कुमार लेकिन है सुनीता देवी भी लिखा हुआ, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ये। तो देखिए, ये है आप लोगों का बिहार पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए जो कैंडिडेट कॉपी है ये। और ये क्या है, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है ये। DCEC 2020, ये जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाली है, जो एग्ज़ाम का डेट आप लोगों को आ चुका है 26 और 27 को, इसी डेट को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, जो भी आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, सबसे पहले देख लीजिएगा आप लोगों का रोल नंबर यहाँ है, रोल नंबर यहाँ है या नहीं है। और सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पे कोर्स ग्रुप में देखिएगा, यहाँ पे दो तीन चार हो सकता है। एक होगा किसी का, अगर PE है तो PE हो सकता है, किसी का PM भी हो सकता है पारामेडिकल, या किसी का हो सकता है PMD भी हो सकता है पारामेडिकल डेंटल भी हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे कोर्स ग्रुप में। तो कोर्स ग्रुप जरूर यहाँ पे दिमाग में रखिएगा और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वैल्यू होगा वो लास्ट में हम बताएंगे, ठीक। और ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों का नाम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, ठीक। और सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जेंडर में, देखिएगा कि जेंडर में आप लोग का जो जेंडर वो वाला लिख ले है या कुछ और लिख दिया है गलती से, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। जेंडर जरूर देखिएगा। कैटेगरी देखिए, कैटेगरी है UR। UR बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये UR क्या होता है। UR मतलब होता है अनरिजर्व। क्या होता है? अनरिजर्व। अनरिजर्व मतलब कि जो जनरल कैटेगरी से होते हैं वो आ जाते हैं UR में, ठीक ना। जो जनरल कैटेगरी के रहते हैं वो आ जाते हैं UR में। UR मतलब कि अनरिजर्व होता है, ठीक। तो यानी इनका कैटेगरी क्या था, UR कैटेगरी था। एक होता है SMQ कोटा, ये देखिए SMQ कोटा, SMQ कोटा से मतलब कि SMQ से इनका कोई बेटा बेटी है जो फॉर्म भरा है। देखिए SMQ होता क्या है, SMQ होता है सर्विस मैन कोटा। SMQ क्या होता है, सर्विस मैन कोटा। सर्विस मैन कोटा का मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स में कोई सर्विस में है और उनका बेटा या बेटी अगर कोई फॉर्म भरा है, तो वो उनका जो बेटा बेटी है वो इस SMQ कोटा का यूज करके सीट कोई ले सकता है पॉलिटेक्निक में। तो अगर आपके कोई भी पेरेंट जो गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ से अगर चाहते हैं, अगर आप लोग आरक्षण लेना तो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे SMQ कोटा नो लिखा हुआ है, यानी सन और डाउटर जो भी SMQ कोटा से जो भी इनके पेरेंट्स होंगे, उनके बेटा या बेटी लोग क्या है कि SMQ कोटा से फॉर्म नहीं भरे हैं। ये फॉर्म भरते वक्त अगर आपके घर में कोई भी सरकारी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो आप आरक्षण ले सकते हैं, उनका अपना आरक्षण रहता है। तो ये नो है। एक रेसिडेंट ऑफ बिहार, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ बिहार, ये बिहार का ही रेसिडेंट है। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, 28/9/2004।
एक और देखिए, यहाँ पे आप लोगों का एक DQ मिलेगा। DQ मतलब होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो, देखिए ये दो तरह का होता है, एक DQ होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होता है, एक होता है EQ। EQ मतलब होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो ये DQ EQ क्या होता है, इससे फिर बाद में फिर इसके बारे में हम लोग बताएंगे, देखेंगे बाद में, अभी यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट इसका नहीं है DQ का। ठीक, तो ये हो गया। और इसमें देखिए आप लोगों का क्या क्या जरूरी यहाँ पे रहता है, सबसे पहले कि आप लोगों का कहने कहने यहाँ पे मोल ऑन लेफ्ट हैंड दिया हुआ है, मतलब कि कहीं कुछ निशान चिन्ह ये। फिर यहाँ पे कंट्रोलर का एग्जामिनेशन चेक करिएगा, और सबसे ज़्यादा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ दिया हुआ है। आप लोगों को एक चीज़ हम और बताते हैं कि जितना भी वीडियो ये देखेंगे आप लोग ना अपने नीचे एग्जाम सेंटर जरूर लिख के बताइएगा कि मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ दिया है, मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ दिया है। जिससे क्या होगा ना कि बहुत लोगों को अगर कहीं एक जगह ज़्यादा भारी में जाने वाले स्टूडेंट हैं, एक ही सेंटर पर ज़्यादा जाने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोग वहाँ पर ग्रुप बना के आराम से चले जा सकते हैं। गर्ल्स लोग अपना ग्रुप बना लेंगे, बॉयज लोग अपना ग्रुप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। और वो जो सेंटर जिन सेंटर पे इनका एग्जाम दिया उसका कोड दिया हुआ है 6107। और यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी चेक ऑल द एबव, जितना भी एबव लिखा हुआ है ऊपर में उसको सबको क्या करना है, चेक कर लीजिए अच्छे से। और जो कुछ गलती है तो आप लोग फिर उसके पास कंप्लेन करने का भी समय दिया हुआ है, कंप्लेन करके सुधरवा सकते हैं। ठीक, और देखिए सबसे बड़ा चीज़ आप लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जो रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम का मतलब क्या होता है। तो देखिए रिपोर्टिंग टाइम का मतलब है कि अगर आपका यहाँ पे एग्जाम सेंटर है और यहाँ पे आप लोगों का घर है और यहाँ पे सेंटर है, तो आप लोगों को सेंटर पे 10 बजे एकदम हाजिर हो जाना है, ये होता है रिपोर्टिंग टाइम, समझे। चाहे आप कब रात में निकलते हैं, चाहे कब निकलते हैं आप घर से, उसे मतलब नहीं है। आपको 10 बजे तक यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम सेंटर के बाहर एक गार्ड रहेगा, आप लोगों को यहाँ जा पे रिपोर्ट कर देना है कि हाँ हम यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके हैं। मतलब आप लोग को वहाँ पे 10 बजे जाके खड़ा हो जाना है सेंटर के पास, एग्जाम सेंटर के पास, ठीक ना। तो रिपोर्टिंग टाइम का मतलब यही होता है। तो 10 AM मतलब आप लोग सबका रिपोर्टिंग टाइम सेम है, 10 AM 10 बजे सुबेरे एकदम आराम से उठ के, मतलब सुबेरे 10 बजे मत उठिएगा, पहले ही उठ के और 10 बजे से पहले, 10 बजे से पहले सेंटर पर पहुंच जाइएगा, ताकि वहाँ पे कुछ फ्रेश व्रेश होने में समय लगता है ना, तो फ्रेश व्रेश आराम से हो सकता है। और देखिए क्या क्या आप लोगों का गाइडलाइन दिया हुआ है, वो गाइडलाइन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। सबसे पहले बोला क्या कि आप लोगों को एडमिट कार्ड लेके जाना है एग्जाम हॉल में, और अगर एग्जाम हॉल में कोई भी मांगे तो उसको आराम से एडमिट कार्ड दे देना, एक्स्ट्रा कोई मांगे तो उसको नहीं देना, मतलब एग्जाम से रिलेटेड कोई मांगे तो उसको देना। जैसे जो एग्जामिनर होते हैं ना, जो एग्जाम लेने वाले रहते हैं, जो वहाँ पे गाइड करते हैं, उन लोग के सबके एक गला में ID कार्ड रहता है, तो जिसके ID कार्ड में दिखेगा जिसका ID कार्ड उसी को दिखाएगा, नहीं तो एक्स्ट्रा किसी को मत दिखाएगा, क्या जरूरी है एक्स्ट्रा किसी को दिखाने से। फिर क्या बोलता है परीक्षार्थी अपना, देखिए क्या बोलता है परीक्षार्थी कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1/2 घंटा पहले आपको परीक्षा स्थल पर पहुंच जाना है, और 10 मिनट पहले परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण कर लेना है। मतलब कि आप लोगों को 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है, तो कम से कम 9:30 बजे हम तो बोलेंगे कि 9:30 बजे आप एग्जाम हॉल के पास पहुंच जाइए, 10 बजे रिपोर्ट कर दीजिएगा और एग्जाम हॉल में घुसा देगा, और एग्जाम हॉल में एग्जाम होने से 10 मिनट पहले वहाँ पे आप लोगों को घुसा देगा एकदम, और 10 मिनट कम से कम वहाँ बैठाएगा अंदर, आराम करवाएगा थोड़ा बहुत, ठीक ना। थक हार के जाइएगा तो फिर वहाँ मतलब कि मालिश विलिश नहीं होगा वहाँ पे, ज़्यादा थकिएगा नहीं, इसीलिए धीरे धीरे अच्छे से जाइएगा, गाड़ी से जाइएगा ना। फिर क्या बोलता है सेंट्रल इन्विजिलेटर, और जो भी वहाँ पे बताया जाएगा गाइडलाइन उसको फॉलो कीजिएगा। और फिर आप लोग को और क्या दिया हुआ है कि यदि कोई परीक्षार्थी अनफेयर, मतलब कि कोई भी वहाँ पे अगर गलत काम मत कीजिएगा, मतलब कि कदाचार ये सब कुछ मत कीजिएगा, कभी एने उने ताक झाँक मत कीजिएगा, चाहे और कोई गलत काम मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दोषी ठहरा दिया जाएगा, और दोषी ठहराने के बाद आपको कैंडिडेट का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब रद्द कर दिया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दूसरा आदमी को भी अगर एग्ज़ाम देने मत जाइएगा, दूसरा आदमी को अगर पकड़ा जाइएगा तो आप लोग जो पढ़े लिखे हैं पहले ने सारा सर्टिफिकेट रद्द कर देगा, तो इसीलिए इसको ज़रूर गौर कीजिएगा। फिर आप लोगों को वहाँ पे ब्लू या ब्लैक दोनों में से कोई एक, नहीं दोनों पेन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू और ब्लैक पेन ज़रूर ले लीजिएगा।
और वहाँ पे देखिए आप लोगों को दो पेपर मिलेगा, एक OMR शीट मिलेगा और एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, वहीं पे क्वेश्चन पेपर में ही आप लोगों को क्या रहेगा, नीचे स्पेस दिया हुआ रहेगा रफ के लिए। तो आप लोग आराम से यहाँ पे क्वेश्चन बना के ऑप्शन लगा दीजिएगा यहाँ 90 क्वेश्चन, और सब 90 क्वेश्चन को फिर OMR शीट में पेंट कर दीजिएगा, वो ब्लैक पेन या ब्लू पेन, और कोई एक ही गो पेन से कीजिएगा, नहीं तो हम फूल मत बनाने लगेगा, अरे ये बढ़िया सुंदर नहीं दिख रहा है, तो इसको 10 गो ब्लू से करते हैं तो 10 गो ब्लैक से करते हैं, तो सुंदर दिखना नहीं है वहाँ पे, उसको सुंदर ऑप्शन चाहिए, ठीक ना। सुंदर ऑप्शन रहेगा तभी एग्जाम वो निकलेगा। तो OMR शीट में वही करना, और इसमें OMR शीट में मार्किंग जरूर देखिएगा कि जिस क्वेश्चन का ए सोल्यूशन किए थे उसको उसका ए और यानी फर्स्ट में अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का ऑप्शन ही आया था, तो इस OMR शीट में भी ऑप्शन हुआ ए मारिएगा, नहीं तो बी में घूम जाता है, पता नहीं चलता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बॉल पेन लेके जाना है, और देखिए आप लोगों को क्या ले लेना है, आप लोगों को 50 मिलीलीटर का एक सैनिटाइजर ले लेना है, मास्क ले लेना है, और एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वाटर का बोतल ले लेना है, क्या है कि वहाँ पानी उनी पीने के लिए नहीं मिलेगा, खुद से पानी लेकर जाना होगा, तो मास्क लगा लेना है, सैनिटाइजर ले लेना है, ठीक। इतना हो गया, और फिर क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि OMR शीट के बारे में, फिर दिया हुआ है तो OMR शीट के बारे में बता दिए, कैलकुलेटर, घड़ी, ग्राफ पेपर, स्लाइड, चार्ट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन, पेपर, ATM कार्ड, घड़ी, ये सब कुछ लेके नहीं जाइएगा। अगर ATM कार्ड तक लेके चले जाइएगा ना तो ATM कटवा रखवा देगा बाहर ही, ठीक। तो लेके क्या क्या जाना है आप लोग सोच सुन लीजिए, ले के जाना होगा पेन ले लीजिएगा, पेन कौन कौन सा, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक, ब्लैक ब्लू दोनों ले लीजिएगा। दूसरा आधार कार्ड जरूर लीजिएगा, आधार कार्ड जो भी आप अपना आधार कार्ड लीजिएगा, आपके चाहने वाले का आधार कार्ड नहीं, तो आप अपना आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा, ठीक ना। और एक चीज़ और बताते हैं आप लोग को, पेन के साथ साथ ना आप लोग पेंसिल और रबर ले लीजिएगा, क्योंकि ना जब रफ तो देता है, रफ काम भर स्पेस देगा, लेकिन जैसे ना कि कभी कभी ज़्यादा बड़ा बड़ा सोल्यूशन करने लगेगा ना तो पेन से फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए पेंसिल ले लीजिएगा और पेंसिल से सोल्यूशन कीजिएगा। अगर रफ के लिए और ज़रूरी पड़े तो रबड़ आपके पास है, उसको मिटा दीजिएगा आराम से, मिटा के और आराम से लिख सकते हैं, इसीलिए पेंसिल भी ज़रूर ले लीजिएगा, ब्लू ब्लैक पेन ले लीजिएगा और एक पेंसिल ले लीजिएगा और रबड़ ले लीजिएगा बस, और कटर भी ले लीजिएगा, वो जो शार्पनर और इरेजर दोनों ले लीजिएगा, ठीक। और ये सब तो लेके नहीं जाना है, और फिर अगर बोलता है क्या कि अगर कोई दूसरा आदमी OMR सीट को भरेगा तो उसका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा, या नहीं तो बोला जा रहा है कि OMR सीट पे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखना है, अगर OMR सीट पे केवल और केवल पेंट करना है, सही से पेंट करना है, पूरा गोल भरना है, अगर इसमें एक्स्ट्रा कुछ लिख दिए तो OMR सीट आप लोगों का रद्द कर दिया जाएगा, एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। बोलता है कि अगर आपका एडमिट कार्ड में कुछ गलती है तो 16/11/2020 से 19/11/2020 तक आप 11 बजे से 5 बजे तक रिपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे आपका सुधारीकरण कर दिया जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपना एड्रेस दिया हुआ है कि कहाँ पे रिपोर्ट करना, परीक्षा नियंत्रक एग्जाम कंट्रोलर BCECE बोर्ड IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट, वहाँ पे जाके आप लोगों को इसका काम करना होगा, ठीक। इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है, क्या और यहाँ पे जरूरी है, सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को और आगे कि COVID-19 का नीचे दिया हुआ, यहाँ पे आप लोगों का सिग्नेचर करना, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ इंग्लिश में सिग्नेचर करना और यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर करना, और ये जो एग्जाम हॉल में रहेगा वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। और आप लोगों को एक चीज़ बताया कि देखिए जो भी एडमिट कार्ड ले जाइएगा वो ले जाना है कलर एडमिट कार्ड, कलर, ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लिए और उठा के ले चल गए, झोला लेके आए थे झोला लेके चल दिए, नहीं वैसे नहीं करना, उसको क्या करना है एडमिट कार्ड को कलर वाला में लेना, अरे 5-10 रुपया लगेगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, कलर वाला कीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे ना दो डेट दिया हुआ है, दो डेट देखिए, PE और PPE दोनों है, एक है PE पॉलिटेक्निक एग्जाम और PPE एक एग्जाम, मतलब ये जो पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग होता है ना वो वाला एग्जाम, तो वो एग्जाम है आप लोगों का 26/11/2020, और देखिए समय क्या दिया हुआ, 11 से 1:30 बजे तक एग्जाम होगा, 11 से 12 एक घंटा हो जाएगा, 1 घंटा 12 से 1 2 घंटा हो जाएगा, और 1 से 15 फिर यानी 15 मिनट हो जाएगा, यानी 2 घंटा 15 मिनट आप लोगों को समय मिलेगा 90 क्वेश्चन को करने में, ठीक ना, PE PPE। और देखिए और इसी के जस्ट दूसरा दिन पारा मेडिकल और पारा मेडिकल डेंटल का है, तो देखिए पारा मेडिकल का तो एग्जाम 11 से 1:30 बजे 11 से 1:15 के बीच में, जबकि पारा मेडिकल डेंटल का क्या है 2 से 4:15 तक है,
समझे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो सब फॉर्म भरे होंगे, पीई भरे होंगे, पीएम भरे होंगे, पीएमडी भरे होंगे, तो सब भरे होंगे। तो आप लोग हो सके तो दो को एडमिट कार्ड ई करवा लीजिएगा, एक प्रिंट आउट करवा लीजिएगा तो बेटर रहेगा। और आप लोगों को 2 दिन जाना होगा। और ऊपर में जो बताए थे ना कोर्स ऑफर्ड कि आप लोग किस कोर्स के लिए अप्लाई किए थे, यहाँ पे देखिए कोर्स ग्रुप ये वाला देखिएगा। अगर यहाँ पे केवल आप लोग का पीई रहेगा तो पीई वाला एग्जाम दीजिएगा 26 के। अगर यहाँ पे पीपीई पीएमडी ये भी रहेगा या पीएम रहेगा तो उसके अनुसार आप लोग उस डेट को जाइएगा। और ध्यान रखिए कि 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप लोगों को 10 बजे वहाँ पर हर हाल में हाजिर हो जाना है। फिर 10 बजे वहाँ पर ले आएगा और इसके बाद फिर अंदर घुसाएगा आराम से, धीरे 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 धीरे, क्योंकि कोरोना से भी बचना है। तो ये डेट है। और अगर दोनों फॉर्म भरे होंगे, सब लोग फॉर्म भरे होंगे अगर दोनों, तो दोनों प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, दोनों का सेम सेंटर होगा। तो और अगर जो दूर से जा रहे हैं, दूर से, तो हो सके तो आप लोग वहीं पर रहने का व्यवस्था कर लीजिएगा, मिल जाएगा रूम, मिल जाएगा कहीं भी रूम मिल जाएगा। फिर देखिए क्या बोलता है आगे, परीक्षा कक्ष में परीक्षा के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले प्रत्येक परीक्षार्थियों को अपना स्थान ग्रहण कर लेना, अन्यथा प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर 10 मिनट से पहले आप लोग नहीं घुस गए तो वहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा। वैसे तो घुसने देता है लेकिन हाथ गोड़ पैर जोड़ना होगा, भैया चाचा दादा करना होगा, तब जाकर वो अंदर घुसाएगा, नहीं तो फिर नहीं घुसाता है। बहुत लोग गलत करता है, इसे नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के साथ। उतना दूर से आता है और लोग नहीं घुसने देता है, तो घुसने देगा ऐसा नहीं है, परेशानी बताइएगा तो घुसने देगा। वो लिख दिया है, वो लिख दिया, उसका अपना काम था, लिख दिया। अब देखिए अब है कोरोना से बचने का क्या क्या उपाय करेगा सो, कोरोना का भी गाइडलाइन दे दिया, एसओपी दिया हुआ है। एसओपी क्या होता है? एसओपी मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, कि मतलब कोई भी एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसका कैसे कैसे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका गाइडलाइन पर डे का गाइडलाइन रहता है, वही है कोरोना वाला गाइडलाइन दिया हुआ। इसमें देखिए तो कैंडिडेट्स मस्ट बी मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ एंट्री टू द एग्जाम वेन्यू टिल हिज या हर एग्जिट। तो देखिए बोलता है क्या कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है, जब आप एंट्री कर रहे हैं उस समय भी और जब बाहर निकल रहे हैं उस समय भी, एकदम प्रत्येक पॉइंट पे, एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मेंटेन करता, और मेंटेन करना भी है क्योंकि ये खुद के लिए, हम लोग की सुरक्षा के लिए ही है, नहीं तो फिर कोरोना धर लेगा तो फिर गड़बड़ है। फिर क्या बोलता है अगला, कैंडिडेट मस्ट बी ब्रिंग ऑन मास्क, अपना मास्क लेके आना है, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का ले लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ले लीजिएगा, पेन पेन ले लीजिएगा, ब्लू ब्लैक ले लीजिएगा। और देखिए इसमें आधार कार्ड बोला नहीं है लेकिन आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा, ठीक ना। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या है, एडमिट कार्ड है, आई कार्ड है या ETC, तो एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। अगर आई कार्ड होगा 10वां का तो वो भी ले लीजिएगा, या नहीं तो फिर आधार कार्ड, आई कार्ड और आधार, सॉरी ये एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ले लीजिएगा, हो जाएगा उससे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नो अदर आइटम्स विल बी परमिटेड इन साइड एग्जाम वेन्यू, अंदर एग्जाम हॉल में और इसके अलावा कुछ ले जाने नहीं दिया जाएगा। तो ब्लू ब्लैक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और पेंसिल वा जरूर ले लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अगर पेंसिल अलाउ कर देता है तो अच्छी बात है, अगर अलाउ नहीं करेगा तो फिर बाहर ही रख देगा, 2 रुपया में क्या जा रहा है, लेकिन ले लीजिएगा। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि एंट्री ऑफ कैंडिडेट विल बी गिवन एज पर टाइम स्लॉट 2 आवर बिफोर स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट द सेंटर। अब देखिए अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ना कि आखिर उतना पहले क्यों बुला रहा है। उतना पहले इसीलिए बुला रहा है क्योंकि उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेंटेन करते हुए आगे ले जाना होगा, तो समय लगता है। पहले जैसा नहीं ना कि एक के साथ उन्हें घुसा एकदम चला गया अंदर, तो ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए 2 घंटा पहले बुला रहा है एग्जाम से, ठीक। तो वो अपना मेंटेनेंस करके अंदर घुसाएगा। सेकेंड बोलता है कि अगर आपको, और फिर वहाँ देखिए वो जो गोली गोली बंदूकवा वाला वो रहता है ना जिसे टेम्परेचर वाला मेजरमेंट करता है, आप लोग देखते होंगे, उसका नाम है बंदूक, टेम्परेचर मेजरमेंट करने वाला बंदूक है। तो उससे आप लोगों को पहले टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा, सीधे यहाँ कहाँ सटाता है, सीधे माथा में सटाएगा, लगता है कि बाबी तो बाबू जी एकदम, वही सटा के टेम्परेचर मेजरमेंट करेगा, ठीक ना। तो आप लोगों का नॉर्मल टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 99.4 डिग्री फॉरेन हाइट होना चाहिए, मतलब इतना नॉर्मल टेम्परेचर, अगर इतना तक टेम्परेचर है इतना के अंदर में, तो आप लोगों को कोरोना वोरोना नहीं हुआ, आराम से आप लोगों को एग्जाम हॉल में ले जाया जाएगा। और इसमें एक विशेष व्यवस्था ये किया गया है कि अगर आपको कोरोना भी हो गया, अगर इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा भी, तो एक स्पेशल देखिए यहाँ पे सेपरेट आइसोलेटेड रूम बनाया हुआ है एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन हॉल में एक सेपरेटेड आइसोलेशन रूम बनाया हुआ, आप लोगों को अलग बैठा के अलग तरीका से एग्जाम दिलवाएगा। ऐसा नहीं कि कोरोना हुआ तो भगा देगा, नहीं, आप लोगों को आइसोलेशन रूम में ले जाके वहाँ पे एग्जाम दिलवाएगा बैठा के, ठीक ना। तो
टेंशन नहीं लेना। फिर क्या बोलता है, कैंडिडेट नीड बी फॉलो डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर इंचार्ज एट द एंट्री पॉइंट। और फिर वहाँ पे जो भी एंट्री पॉइंट कीजिएगा, जो वहाँ जिस समय एंट्री कीजिएगा तो उस समय जो भी आप लोगों को डायरेक्शन देगा, जो भी आप लोगों को गाइडलाइन बताएगा वहाँ का जो इंचार्ज होगा, उसका बात को फॉलो कीजिएगा। ठीक, तो यही था आप लोगों का एडमिट कार्ड का डीएनए। तो आई होप लगता है कि यहाँ से आप लोगों का सारी क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका होगा। और आप लोग जरूर ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा दोनों, और ये एडमिट कार्ड कलर जरूर करवा लीजिएगा। बहुत सारे बातें यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा, रिपोर्टिंग टाइम समझ में आ गया होगा। पेंसिल ले लीजिएगा, आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा, आधार कार्ड और आधार कार्ड ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। ठीक, तो डीएनए में बस आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। और ये भाई साहब, आप तो बहुत महान थे कि आपका 2 सिग्नेचर आ गया है। तो फिर आपको, आप भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, आप जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका, आराम से एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में घुसने देगा तो ऐसे तो घुसने देना चाहिए। आपका गलती कहाँ था सो बताएं, आप फॉर्म ही ऐसे ही भरे हैं। अपना गौतम कुमार तो आप अपना नाम डाले थे, अपलोड किए थे, लेकिन आप अपना हिंदी नाम की जगह सुनीता देवी लिख दिए हैं, लगता है मम्मी मम्मी का नाम डाल दिए। कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, जाइएगा वहाँ पर, तो वहाँ पर आप लोगों को आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगा कि हाँ कैसे करना है, नहीं करना। अब तो गलती हो गया, तब क्या कीजिएगा, अब कुछ नहीं अभी कर पाइएगा, नहीं तो फिर रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो रिपोर्ट कर दीजिए, नीचे जो मैसेज किया हुआ था उससे रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो फिर जहाँ इसका ऑफिस है वहाँ पे जाना होगा, बात करना होगा। तो वैसे आप इसी एडमिट कार्ड को लेकर जाइएगा और आराम से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आपका सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो बस इस डीएनए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप इससे सारी समस्या आप लोगों का समाधान हो चुका होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ मिला है। ठीक, थैंक यू।